डोनबास का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले और यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम अवदिवका पर रूसी फौज ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अपनी इस हार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी स्वीकार कर लिया है। हालांकि सैनिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अवदिवका से मजबूरन निकलना पड़ा। लेकिन अब इसको लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे यूक्रेन की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। दरअसल अवदिवका से निकलने का आदेश जारी होने से पहले ही यूक्रेनी सैनिकों का एक जत्था एक दिन पहले ही अवदिवका से भाग निकला था और इसको लेकर रूसी सेना ने एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है जिसमें यूक्रेन के सैनिकों में अवदिवका से भाग निकलने को लेकर मची अफरा तफरी का दावा किया गया है। रूस के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों का एक बड़ा समूह पैदल ही भारी हथियारों और गोला बारूद को अवदिवका में छोड़कर भाग निकला था और ये सैनिक अपने पीछे तबाह हो चुके कई हथियार और सैन्य वाहनों को छोड़ गए थे। हालांकि जब ये सैनिक भाग रहे थे उस वक्त कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो अपने साथ गोला बारूद लेकर चल रहे थे और इन सैनिकों पर रूसी सेना ने हवाई हमले भी किए थे। और रूस द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में यूक्रेन के एक बीएमपी श्रेणी के पैदल सैन्य वाहन पर एक आत्मघाती ड्रोन हमला करता हुआ भी दिख रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा रूसी सेना ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने अवदिवका में रणनीतिक रूप से अहम कोक और केमिकल प्लांट पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों ने इस प्लांट पर कब्जा कर रखा था और वो इसे डोनेस्क में हमले के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि रूस के सेंटर समूह के सैनिकों ने शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में बने केमिकल प्लांट पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। प्लांट के प्रशासनिक भवनों पर रूसी झंडे फहराए गए हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की इकाइयों ने अपनी अव्यवस्थित वापसी जारी रखी। आपको बता दें कि फरवरी 2022 के हमले से पहले अवदिवका का ये प्लांट यूक्रेन का सबसे बड़ा कोक प्रोड्यूसर प्लांट था। बड़ी बात यह है कि ये प्लांट यूक्रेन की रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया था और यूक्रेनी सैनिकों ने इस प्लांट की दुर्जय किलेबंदी की थी और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई वैसे वैसे अवदिवका का ये प्लांट पूरी तरह से तबाह होता चला गया। लेकिन 19 फरवरी 2024 को रूसी सेना ने अवदिवका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन रूस ने यूक्रेन के एक ही दिन में 1500 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है जो अपने आप में बेहद ही बड़ा है और ऐसे में यूक्रेन के सैनिकों का अवदिवका से एक दिन पहले ही निकल भागना उसकी किरकिरी करा रहा है।